कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन लागू करने के बाद लखीसराय डीएम संजय कुमार सिंह और एसपी सुशील कुमार काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने को लेकर अपने पूरे दलबल के साथ सड़क पर उतरे और लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर लाठियां भी बरसाई। बता दें कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिले के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस दौरान पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में 3 प्रतिष्ठानों को भी सील किया है। लॉकडाउन लागू कर दिया है और ये लॉकडाउन आज से शुरू हो गया है, बल्कि मैं ये कहूँ कि 6 बजे शाम के बाद से, कल से जब से कर्फ्यू लागू है तब से ये लॉकडाउन चालू हो गया था, लेकिन इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों ने निकल करके एनफोर्समेंट करना शुरू किया है, क्योंकि पैदल की भी मनाही है। बिना पर्याप्त कारण के कोई लोगों को पैदल भी नहीं चलना है। ऐसी परिस्थिति में मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि लोगों के मन में अभी भी डर नहीं है, क्योंकि ये राज्य सरकार का आदेश या जिला प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई की है ये उनके ही हित में है, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। प्रयासरत है, इसमें हम लोग हर जगह पे चेक पोस्ट लगाए हैं, पूरे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे भी चेक पोस्ट लगाया है कि जो भी आवागमन कर रहे हैं अगर वो बिना अचित के कारण किसी कारण के नहीं घूम रहे हैं तो उसके ऊपर जो है हम लोग फाइन भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। गाड़ी भी सीज की जा रही है और जो केवल इमरजेंसी सर्विस है उन्हीं को केवल जाने के लिए अलाउड है। लखीसराय से कुमार हिमांशु के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।